नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में कोरोना की महामारी चरम सीमा पर है, इसमें एक दूसरे की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आज हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं लगभग 21 नेत्रहीन युवाओं की ओर, जो कि उमंग नेत्रहीन संस्थान मकान नंबर 2 ब्लॉक सी रामा विहार दिल्ली आशीर्वाद रेस्टोरेंट के ठीक सामने की गली में है। मंगोलपुरी कंजावाला रोड पर कलाला गांव से पहले है के सानिध्य में एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। इसे संचालित कर रहे हैं उमाशंकर गुप्ता, जो कि स्वयं भी नेत्रहीन है। इस संस्था को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती, केवल कुछ दानी लोग ही इसकी अपनी ओर से कुछ सहायता करते हैं। उमाशंकर गुप्ता का मोबाइल नंबर है 9311107527 तथा 9871496341। कल हमारे मित्र यशपाल सहगल जी को इन्होंने फोन पर सूचना दी कि 21 व्यक्तियों के लिए राशन, आटा, चावल, चीनी, दालों की सहायता कर दीजिए। साथ ही बताया कि 3 युवा भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिन्हें इन्होंने कहीं अलग से रखा है। इन्हें स्वयं के भी संक्रमित होने का शक था, इसीलिए इन्होंने स्वयं का भी RT-PCR टेस्ट करवा लिया है। रिपोर्ट आनी बाकी है। इनमें मात्र एक व्यक्ति ही देख सकता है, जो कि इनका खाना भी बनाता है। उसे खांसी इत्यादि शुरू हो गई है। सहगल जी ने इन्हें लगभग 15,000 रुपये का राशन और डॉक्टरों के परामर्श पर कुछ आवश्यक दवाइयाँ, 1,500 रुपये कैश तो तुरंत भिजवा दिया, परंतु इनकी ओर समाज तथा सरकार का ध्यान हम खींचना चाहते हैं, क्योंकि मात्र 2 कमरों में 20 व्यक्तियों, जो कि सभी नेत्रहीन दिव्यांग हैं और सभी संक्रमित तो हो सकते हैं। इनके सेवा करने वाला, दवाई देने वाला, खाना देने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इनके पास पैसे भी नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ हमारी सभी लोगों, पुलिस, NGO, सरकार से निवेदन है कि तुरंत इनका संज्ञान लें तथा इनके खाने, दवाई, सेवा का प्रबंध करें, वरना इन बेचारे 21 नेत्रहीन दिव्यांगों का क्या होगा। सोच कर भी दिल कांप उठता है। इस खबर को एक SOS या सेवावर सोल्स मानकर कार्यवाही करें। सहायता करने वाले व्यक्ति भी दूर रहते हैं और संक्रमित हो जाने के डर से घर में प्रवेश करने में भी डर रखे हैं। मानवता के नाते कृपया इन्हें तुरंत सहायता सामग्री, दवाई पहुंचाई जाए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप आसपास की घटनाओं से अनजान न रहें।